हे गाइस, टेक स्टॉक को सब्सक्राइब करना टू गेट नोटिफाइड अबाउट मोर एनिमेटेड वीडियोस। तो आज हम बात करेंगे उबर और ओला के जो स्ट्राइक्स चल रहे हैं उसके मेन 10 रीजंस क्या है स्ट्राइक के। तो सबसे पहला रीजन देखते हैं हम। ओला का ये विकिपीडिया पेज है जिसमें आप देख सकते हैं प्रॉफिट कॉलम, उसमें लिखा है -$110 मिलियन। मतलब ओला सिर्फ अभी भी मार्केटिंग ही कर रहा है और खुद का प्रॉफिट जनरेट नहीं कर रहा है। अब हम बात करते हैं सेकंड रीजन की। अभी ये एक मुंबई जैसे शहर में 80,000 ओला और उबर के ड्राइवर्स हैं, ये लिमिट से ज़्यादा हो चुके हैं। अगर इनकी कैपिंग 20,000 पे की या 30,000 पे की जाती थी तो ओला उबर के ड्राइवर्स को भी बहुत बेनिफिट होता, बट अभी ऐसा हो गया है कि ड्राइवर्स से ज़्यादा कस्टमर्स बन गए हैं तो उनको बहुत कम कस्टमर्स मिल रहे हैं और प्रॉफिट भी कम हो रहा है। थर्ड और सबसे इम्पोर्टेंट रीजन, 2015 में ओला के ड्राइवर्स को 16 रुपीज़ पर किलोमीटर मिलता था, अभी 2017 ठीक 2 साल बाद सिर्फ 6 रुपीज़ पर किलोमीटर मिल रहा है। तो अब हम फोर्थ रीजन देखते हैं, दैट इज ड्राइवर्स डे नाइट ड्यूटी, इसको ओला में DDD बोलते हैं, जो नई स्कीम है। इस हिसाब से अगर ड्राइवर से कोई गलती होती है तो उसे फर्स्ट पेनल्टी लगती है ₹250, अगर सेम डे में वापस कोई गलती होती है तो सेकंड पेनल्टी ₹500 की, और सिमिलरली थर्ड पेनल्टी ₹750 की। अगर उसके तीनों भी पेनल्टी सेम डे पे लगती है तो उसका टोटल हो जाता है ₹1,500, ये एक डे की पेनल्टी है। फिफ्थ रीजन में हम देखेंगे कैसे वो पेनल्टी ड्राइवर्स के लिए कितना बड़ा लॉस है। कमीशन रेट देखेंगे सबसे पहले, 20% ओला का कमीशन है, 5% TDS कटता है, बट फिर भी ओला एक्चुअल में 30% कट करती है। तो अब हम उसका बिजनेस में कैसा इफेक्ट होता है वो देखेंगे। अगर एक ड्राइवर ने एक दिन में 1,000 रुपीज़ का बिजनेस किया तो ओला 300 रुपीज़ लेगा, तो ड्राइवर की इनकम रहेगी 700 रुपीज़ उस दिन की। बट अगर ड्राइवर को दिन में पेनल्टीज लगी 1, 2 या 3, उस हिसाब से लॉस उसका अप्रोक्सीमेटली 500 to ₹800 होगा और उन्हें बहुत पेनल्टीज लगती है। तो अब हम बात करते हैं सिक्स्थ रीजन की। अगर आपने किसी फोन के थ्रू किसी ओला को आपने ऑर्डर दिया है और फिर आपको मन हुआ कि आपको कैंसिल करना है ऑर्डर, तो आप ओला के ड्राइवर को फोन करके भी कैंसिल कर सकते हैं या एक ऐप के थ्रू भी कैंसिल कर सकते हैं। बट इसका सबसे बड़ा नुकसान होता है ड्राइवर्स को। फॉर एग्जाम्पल, इस आदमी ने ओला को कैंसिल किया तो ड्राइवर के अकाउंट से -₹250 हो जाते हैं। डैट इज ओला को लगता है कि ड्राइवर को लेट हो गया उस कस्टमर के पास पहुंचने के लिए। अब हम सेवेंथ रीजन की बात करते हैं, डैट इज फ्रॉड ऑर्डरिंग। कोई कोई ओला या उबर के ड्राइवर्स खुद ही ऑर्डर करके प्रॉफिट कमाने का ट्राई करते हैं, बट ओला को लगता है कि ऐसे बहुत सारे ड्राइवर्स कर रहे हैं और पर्पसली बहुत सारे ड्राइवर्स को पेनल्टी लग जाती है विदाउट रीजन। अगर वो फ्रॉड ऑर्डरिंग करते भी नहीं फिर भी पेनल्टी लग जाती है। तो अब बात करते हैं एट रीजन की, मेंटेनेंस चार्ज। आपकी कार को अगर कुछ भी हो जाता है या टायर्स चेंज करने होते हैं या इंजन में खराबी, तो सारा का सारा पैसा ड्राइवर को ही देना पड़ता है। ऑलरेडी ये कार लोन पर है, ऊपर से मेंटेनेंस चार्ज भी उनको ही देना पड़ता है, ऊपर से वो कमा भी नहीं रहे इतना ओला और उबर से, तो फिर उनके जेब में बचेगा भी क्या। नाइन्थ रीजन इज ओला इज नेवर ऑन हाई डिमांड। अगर आपका फोन आप घर पे भूल गए तो आप किसी और के फोन के थ्रू लॉगिन और पासवर्ड डालकर आप बुक नहीं कर सकते, आपको आपका फोन चाहिए। उससे क्या होता कि ओला के कैब ज्यादा ऑर्डर नहीं होते, तो उससे ओला के कैब्स कभी हाई डिमांड पर नहीं रहते हैं। अब हम 10th रीजन की बात करते हैं, डैट इज कस्टमर केयर सर्विस। ओला अपने कस्टमर्स के लिए बहुत अच्छी कस्टमर केयर सर्विस देता है, बट ड्राइवर्स के लिए कोई ऐसी स्पेशल सर्विस नहीं है। उन्हें सिर्फ एडवाइस ही मिलती है बट उनसे कोई सर्विस नहीं मिलती है। ऊपर से महाराष्ट्र गवर्नमेंट प्लान कर रहा है कि ऐप बेस्ड टैक्सेस पर खुद का एक अलग से प्राइस रेट रखे। गाइस, अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो इसे लाइक करना, सब्सक्राइब करना और कुछ भी डाउट हो तो मुझे कमेंट करना, और सब्सक्राइब के बाजू वाला बेल आइकन पे क्लिक जरूर करना, उससे हम कनेक्टेड रहेंगे और आपको नोटिफिकेशन मिलेगी मेरी नेक्स्ट वीडियो की। थैंक यू।